हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा विंडोज़ को एक्टिवेट किस तरीके से करते हैं और साथ में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहता है उसको भी किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। सेम उसी कमांड के माध्यम से आपको एक्टिवेट किस तरीके से करना रहता है। होता क्या है, बहुत से प्रॉब्लम आता है यदि आपके सिस्टम में विंडोज़ आपका एक्टिवेट नहीं रहता तो वॉलपेपर चेंज नहीं होता। साथ ही साथ हर चीज़ यदि वीडियो भी आप देखते रहते तो वहाँ पर भी उसका जो बैकग्राउंड में विंडोज़ एक्टिवेट वाला जो मैसेज दिखते रहता है तो आपको अच्छा भी नहीं लगता। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यदि यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी जैसे ही आप ओपन करेंगे तो एक पॉपअप आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका एक्टिवेट नहीं है ऐसा कर सके। तो ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो को प्रोसेसर को पूरी समझिए। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो में पूरा प्रोसेस। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेट विंडोज़ का ये आइकन दिखने को मिल रहा है और मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे वर्ड ओपन करता हूँ तो वहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेशन विजार्ड करके ये पॉपअप आ रहा है। तो इसको हम लोग परमानेंट रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं इस वीडियो में अपन लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको सर्च करना होगा पावर सेल, विंडोज़ पावर सेल। जैसे सर्च करेंगे आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सर्च कर लेना है। फिर आपको एक कमांड आपको टाइप करना होगा जो कि नीचे मैं हाईलाइट कर दूंगा और कमांड में आपको क्या लिखना होगा, जैसे IRM विथ स्पेस देना होगा https सेमीकोलन फिर डबल स्लैश get.activated.win। ठीक है, इतना आपको टाइप करना होगा। उसके बाद आपको स्पेस देना होगा जो कि यहाँ पर नीचे मैं बड़े से टाइप कर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग सेम उसी तरीके से आप लोग को लिखना होगा। और जो जो स्टेप पूरा प्रोसेस फॉलो करिएगा तो आपका ये परमानेंट हट जाएगा और आप अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे। फिर इतना जैसे करके इंटर टाइप करेंगे फिर आपके पास एक और पॉपअप में ओपन हो जाएगा ये। तो आपको यहाँ पर जैसे कि अपने को विंडोज़ को पहले एक्टिवेट करना है परमानेंट के लिए तो सबसे पहले अपन लोग एक टाइप करके इसको जस्ट इंटर टाइप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यूटिलाइज का ये मैसेज आ गया और यहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है और ये सारा चीज़ यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है जो कि सिस्टम में आपका नेट कनेक्ट रहेगा तो आपके डिपेंड करता है नेट की स्पीड ऊपर आप कितना जल्दी होता है। तो फिर यहाँ से कुछ सेकंड में आपका विंडोज़ यहाँ पे एक्टिवेटेड वाला जो है हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में ये जो मैसेज आ रहा था यहाँ पर वो हट गया है। अब अपन लोग करते क्या है, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी अपन लोग को परमानेंट उसको भी वो जो विजार्ड आ रहा था उसको भी करना है। तो वहाँ पर उसको क्लिक करके जस्ट यहाँ पर एक टाइप कर देंगे, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो उसको एक टाइप करेंगे और ये ऑटोमेटिक ये भी इंस्टॉलाइज होके ये प्रोसेस हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, सड़क के किनारे सॉफ है इस वजह से नॉइज़ ज़्यादा होता है। बाकी ये सब प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस इज़ परमानेंटली एक्टिवेटेड। तो अब हमारा जो ये जो दिक्कत आ रहा था आपके सिस्टम में जैसे कि देख सकते हैं, अब इसको आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको क्लोज कर सकते हैं। सिंपली पावर सेल को एग्जिट करके कमांड दे के इंटर करेंगे तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो आइकन आ रहा था वो परमानेंट रिमूव हो गया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख पाएंगे यहाँ पर हट गया है। और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जो एक विजार्ड आ रहा था एक्टिवेशन का वो भी अब नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यदि आप लोग करना चाहिए यहाँ पर जो वॉलपेपर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे एक्टिवेट वाला जो मैसेज आता है। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों आप लोग अपने विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद।